हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कंप्यूटर स्टडीज होम। सो जैसे कि आपको पता है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियसली प्लेलिस्ट आप देखेंगे 25 अबव टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। करंट जो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अभी हमने देखा है एनएफए एंड डीएफए। सो एनएफए कैसे हम बनाते हैं, डीएफए हम कैसे बनाते हैं, एनएफए और डीएफए जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो उसका ऑटोमेटा डिजाइन कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, सो इसके बारे में आपने क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको डीएफए में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे। सो आप उन्हें सॉल्व करके देख लें, जिससे कि आपको एनएफए एंड डीएफए कैसे बनता है, टपल्स कैसे होते हैं, ट्रांजेक्शन टेबल कैसे बनती है, एनएफए और डीएफए की ट्रांजेक्शन टेबल में क्या डिफरेंस आता है, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। सो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन पे, राइट। सो एनएफए आपको एक दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल क्यू नॉट ए क्यू वन बी क्यू टू, राइट। अब बी ए कॉमा बी, तो आप ये एनएफए दिया हुआ, राइट। अब ए कॉमा बी अब यहाँ पे भी दे दो, तो एक ही एनएफए है जो कि हो रहा है स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, राइट। तो ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, आपको दो टाइप से क्वेश्चन दिया हो सकता है। फर्स्ट आपको लैंग्वेज दी होगी, जैसे कि स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी विथ इनपुट ए कॉमा बी। सेकेंड आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया होगा जो कि एनएफए होगा, और उससे आपको डीएफए में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस डीएफए में, सॉरी इस एनएफए में हमारे पास स्ट्रिंग क्या बन रही है, मिनिमम ए कॉमा बी, ए ए बी, बी ए बी, आपका स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी नहीं होकर के इसमें हम बोल सकते हैं कि कंटेन वाला सिचुएशन है, कंटेन ए बी हम बोल सकते हैं। स्टार्ट विथ और एंड विथ में मिड में लूप आता है, सो यहाँ पर आपको लैंग्वेज स्टार्ट विथ और एंड विथ दी हुई होगी, या फिर आप इस फॉर्म में दिया होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी। अब स्टार्ट विथ डबल ए हो सकता है, एंड विथ बी हो, डबल बी हो सकता है, तो आपको कंडीशन के बेस्ड होगा। सो स्टार्ट विथ डबल ए के लिए हमने ऑटोमेटा कैसे देखा था कि एनएफए कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपको अगर से दिया हो इस फॉर्म में विद इनपुट ए कॉमा बी, तो आपको क्या कर लेना है, एनएफए में सबसे पहले बनानी है स्ट्रिंग। सबसे पहले आपने स्ट्रिंग बना ली, तो क्या करेंगे आप, स्टार्ट विद ए एंड विथ बी, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, तो इस टाइप से आपकी स्ट्रिंग बनती चलेगी। अब इसके लिए ऑटोमेटा देखें, आप क्यू नॉट स्टेट पर है, हम मिनिमम के लिए सबसे पहले डिजाइन करते हैं। सो स्टार्ट विथ ए क्यू वन एंड विथ बी क्यू टू एक्सेप्ट हुआ। स्टार्ट विथ ए और एंड विथ बी वाली सिचुएशन जब होती है, स्टार्ट एंड एंड विथ वाली, सो लूप कहाँ पर आता है, मिड में आता है। अब इसके बाद आपको क्या एक्सप्लेन करना है, टपल्स, यहीं पर साइड में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ टपल्स। सो कैपिटल क्यू इज क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू, नंबर ऑफ स्टेट, सेट ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं। स्मॉल क्यू इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, एफ इज द फाइनल स्टेट क्यू टू, समीशन दैट इज इनपुट ए कॉमा बी, नाउ ट्रांजिशन टेबल डेल्टा। सो अब हम ट्रांजिशन टेबल डेल्टा स्टेट्स इनपुट ए एंड इनपुट बी, स्टेट्स क्या है, क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू। क्यू नॉट से ए इनपुट देने पर आप किस स्टेट पर जा रहे हैं, क्यू वन स्टेट पर, बी इनपुट से कहीं भी नहीं जा रहे हैं। क्यू वन से ए इनपुट देने पर आप कहां जा रहे हैं, क्यू वन पर, और बी इनपुट देने पर क्यू वन पर भी जा रहे हैं और क्यू टू पर भी जा रहे हैं। देखें अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि आप Q2 कहां पर जा रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है। अब इस सिचुएशन में आप देखिए, फर्स्ट रो हम जब लेते हैं कन्वर्जन में, कि आपको एनएफए बनाने की पूरी प्रोसेस हो गई, इस एनएफए से आपके पास डीएफए क्यों नहीं बन पा रहा है, ये डीएफए क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो Q0 से आप बी इनपुट के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं और Q2 से आप
कहाँ नहीं जा पा रहे हैं, इनपुट ए एंड बी के लिए कहीं पर भी नहीं जा पा रहे। सो इस टाइप से आपको जो क्वेश्चन दिया होगा या लैंग्वेज दी होगी, आप उससे एनएफए बनाएंगे। सिमिलरली जब आपको एनएफए की टेबल दी होगी, अब आपको एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिया हो सेकेंड क्वेश्चन, हम लेकर के चलें। और स्टार्ट विथ एंड विथ वाली कंडीशन हमने ले ली। सेकेंड क्वेश्चन हम डायरेक्ट एनएफए का लेते हैं। आपको जस्ट एक ऑटोमेटा दिया होगा, Q2। आप देखें यहां पर जो आपको ऑटोमेटा दिया हुआ है, ये आपका एनएफए है। आप कैसे बोल रहे हैं एनएफए, क्योंकि यहाँ पर देखो ए बी इनपुट से जा रहा है, क्यू टू कहीं पर भी ए और बी इनपुट से नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स कि एनएफए तो है, डीएफए कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। अब हमें इसे इस एनएफए का डीएफए में कन्वर्जन करना है कि आप इसे डीएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको सिंपल एनएफए बनाने दिया होता है, जो हमने प्रीवियस देखा सिंपल एनएफए बनाने दिया है, तो आप जस्ट एनएफए बनाएंगे और इसे कैसे कर देंगे डीएफए बनाने की प्रोसेस में, आप इसी में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये कहीं जा सकता है, तो डेड स्टेट ऐड कर देंगे। Q2 एंड विथ बी है, बी का लूप आप ऐड कर देंगे और ए के लिए रिवर्स यहां पर आ जाएंगे। देखो Q3 डेड स्टेट गई बी के लिए, ये ए कॉमा बी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब आपका डीएफए बन जा रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एनएफए बनने के बाद जो हम फिल इन द ब्लैंक डेड स्टेट करके चेक करते हैं और इस एनएफए को मॉडिफाई करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डीएफए की प्रोसेस होती है, वो कन्वर्जन नहीं होता है। आपको एनएफए दिया था, आपने एनएफए बना लिया, अब आपको बोला सिंपल डीएफए बनाने, तो आप सिर्फ एनएफए बनाएंगे और उसके बाद डीएफए की प्रोसेस करेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम डीएफए कैसे बनाते हैं। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया होगा, एनएफए का इंडिविजुअल, डीएफए का इंडिविजुअल। अब हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको एक स्टेट डायग्राम दिया हुआ है, राइट। अब इस स्टेट डायग्राम की हेल्प से आपको, इस स्टेट डायग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है, डीएफए में कन्वर्जन करना है। अब डीएफए में कन्वर्जन तो करना है, लेकिन आप कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो आपको एनएफए दिया हुआ है ना, हमें क्या करना है कन्वर्जन के टाइम पे, सबसे पहले हमें टपल्स लिख लेनी है। जैसे ही हमें स्ट्रिंग नहीं बतानी है, अभी हमें जस्ट कन्वर्जन देख रहे हैं हम, कन्वर्जन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, राइट। टपल्स लिख लिया आपने कैपिटल क्यू, दैट इज क्यू नॉट Q1 एंड Q2, समेशन दैट इज इनपुट ए कॉमा बी, क्यू इज द इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, एफ इज द फाइनल। सो नाउ ट्रांजिशन टेबल डेल्टा इनिशियल, आपको स्टेट्स कौन कौन सी दी हुई है, स्टेट्स क्यू नॉट Q1 एंड Q2, इनपुट ए एंड बी। क्यू नॉट से ए इनपुट देने पर आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 पर, बी इनपुट से क्यू नॉट पर ही है। सिमिलरली Q1 से ए इनपुट देने पर आप Q1 पर ही जा रहे हैं एंड बी इनपुट से Q2 पर जा रहे हैं। नाउ Q2 से आप कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। आपको यहाँ सिंपल ये तो समझ में आ गया कि ये डीएफए तो नहीं है, आपको इसे कन्वर्जन करने के लिए दिया हुआ है स्टेट डायग्राम के थ्रू। तो चलिए देखते हैं इसका आप डीएफए कैसे बनाएंगे। जस्ट आपको साइड में, जस्ट इसके बाद एक ट्रांजिशन टेबल बना लेनी है, ट्रांजिशन टेबल स्टेट्स ए एंड बी इनपुट के लिए। सो स्टेट फर्स्ट रो आपको एज इट इज लिखना है क्यू नॉट, सेकेंड आपको जो रो दी हुई है आप इस रो को एज इट इज लिख दें। अब हमें क्या करना है, क्यू नॉट को हम यहां पर एक्सटेंड कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेट दिख रही है Q1। सो Q1 जो है यहाँ पर, Q1 जो है आप कहाँ कहाँ पर जा रही है, यहाँ पर हम ए कॉमा बी अगर से ले लें, सो एक न्यू स्टेट Q1 भी आ जाएगा हमारे पास, राइट। सो चलिए देखते हैं, और यहाँ पर भी हम ए कॉमा बी ले सकते हैं क्यू नॉट पर। सो ए इनपुट के लिए ये क्यू नॉट पर भी जा रहा है। सो इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो क्यू नॉट में जो जो ट्रांजिशन टेबल आपको एनएफए की दी हुई थी, ये एनएफए की ट्रांजिशन टेबल है,
आपको ये डायग्राम था, आपने इससे टेबल बनाई, टेबल का फर्स्ट रो आपको एज इट इज लिख देना है। फर्स्ट रो आपने जैसे ही लिखा, आपने क्यू वन को यहाँ पर एक्सटेंड कर चुका है, अब आपको एक न्यू स्टेट दिख रही है क्यू नॉट क्यू वन, या फिर आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, क्यू वन क्यू नॉट या क्यू नॉट क्यू वन, आप साथ में भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या देखना है, क्यू वन इस टेबल पे ए इनपुट के लिए कहाँ जा रहा है, क्यू वन पर, एंड क्यू नॉट जो है वो ए इनपुट के लिए कहाँ जा रहा है, क्यू वन क्यू नॉट पर। सो क्यू वन क्यू नॉट में आप क्यू वन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्यू वन बी इनपुट के लिए कहाँ जा रहा है, बी इनपुट के लिए जा रहा है क्यू वन क्यू टू पर, और जो क्यू नॉट है आपको इसके लिए भी चेक करना है, क्यू नॉट बी इनपुट के लिए कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पर। आप चाहें तो इसे नेक्स्ट स्टेट में, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसे अगेन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्टेप्स आप क्लियर लिखें, आप सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा स्टेट्स देखने पे, ए एंड बी। सो देखो इस वाली टेबल को हम लिख रहे हैं, कन्वर्टेड वाली टेबल को, क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू वन, क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू वन को हमने एक्सटेंड किया, क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू, ये न्यू स्टेट आ गई। अब देखो फर्स्ट रो में हमने क्यू नॉट क्यू वन को एक्सटेंड किया था, अब आगे क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी स्टेट क्या है, क्यू नॉट। सो क्यू नॉट ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, क्यू वन क्यू नॉट ये तो स्टेट है जिससे क्यू नॉट क्यू वन आया, हम इसे नहीं करेंगे, ये न्यू नहीं, यहाँ पर टू होता तो हम अगेन करते, बट अगेन देखो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, एक न्यू स्टेट मिली क्यू टू। अब इसके लिए हमें देखना है इस वाली एनएफए की टेबल में क्यू नॉट ए इनपुट से कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन पर जा रहा है, क्यू वन कहाँ जा रहा है, क्यू वन पर ही जा रहा है एज इट इज लिखेंगे, क्यू टू कहीं पर भी नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं क्यू नॉट बी इनपुट के लिए, क्यू नॉट पर जा रहा है, क्यू वन कहाँ जा रहा है, क्यू वन क्यू टू पर जा रहा है, और क्यू टू किसी भी प्लेस पर नहीं जा रहा है। तो आप देखें ये जो आपकी एनएफए की ट्रांजेक्शन टेबल थी, इससे आपने क्या कर दिया है, डीएफए की ट्रांजेक्शन टेबल तो ड्रॉ कर ली है, अब बारी है आपको इससे ट्रांजेक्शन टेबल से, इस ट्रांजेक्शन टेबल से हमें क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन टेबल से हमें बनाना है इसका स्टेट डायग्राम। सो देखो स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, क्यू नॉट, सेकेंड स्टेट हमारे पास आई क्यू नॉट क्यू वन, थर्ड स्टेट आई है क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। अब आपकी प्रीवियस जो डायग्राम दिया हुआ था जिसमें Q2 आपकी, देखो Q2 आपकी फाइनल स्टेट थी, सो जहां जहां पर भी Q2 हमें दिख रहा है, अभी तो यहां पर सिर्फ एक ही प्लेस पर दिख रहा है, हो सकता है कि ये डबल प्लेस पर भी आए, उसे आपको डबल सर्कल करके फाइनल स्टेट बना देनी, क्योंकि Q2 हमारा फाइनल स्टेट है। अब देखो थ्री स्टेट्स, क्योंकि इस साइड पर जो लिखी होती है यहां पर हम उसे स्टेट्स में लिखते हैं, क्यू नॉट ए इनपुट देने पर कहां जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन पर, एंड बी इनपुट देने पर क्यू नॉट पर ही जा रहा है। अब क्यू नॉट क्यू वन जो है ए इनपुट देने पर कहाँ जा रहा है, सेल्फ लूप, एंड बी इनपुट देने पर क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू पर, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू स्टेट जो है ए इनपुट देने पर कहाँ जा रही है, क्यू नॉट क्यू वन पर, एंड बी इनपुट देने पर सेल्फ लूप। सो आपका जो एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन है वो कुछ इस टाइप से होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एंड विथ डबल वन विथ इनपुट 0,1। अब आपको एक स्टेट डायग्राम ना देकर के आपको लैंग्वेज दी होगी, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में देखिए एंड विथ डबल वन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बना लेना है इसका एनएफए। एनएफए कैसे बनेगा, एंड विथ डबल वन मिनिमम स्ट्रिंग डबल वन, 0,1,1,1,1,0,1,1 एंड विथ डबल वन हमें बोल रहा है, राइट, एनएफए बन गया, एनएफए से आप स्ट्रिंग बन गई, इस स्ट्रिंग से आपको पता है कि एनएफए कैसे बनाना है, क्यू नॉट एंड विथ डबल वन मिनिमम स्ट्रिंग के लिए क्यू वन पर गया, एंड विथ डबल वन ये हो गया क्यू टू पर एक्सेप्ट। एंड विथ वाली कंडीशन में हमें पता है लूप हमारा कहां पर आता है, स्टार्ट में आता है, लास्ट में एक्सेप्ट होगा एंड विथ डबल वन,
अब इसके लिए एनएफए बना लिया, अब हमें कन्वर्जन करना है। सबसे पहले आपको ट्रांजिशन टेबल तो बनानी ही है, साथ में आप बाकी के टपल्स देख लो। कैपिटल क्यू क्या होगा? क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। समेशन आपको दिया हुआ है 0.1। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, एफ इज क्यू टू फाइनल स्टेट। अब बारी आती है ट्रांजिशन टेबल डेल्टा की। सो आपको जो स्टेट्स दी हुई हैं, सबसे पहले हम स्टेट्स लिखते हैं। आपको जो कन्वर्जन करना है ना, वो पूरा स्टेट डायग्राम जो आपका ट्रांजिशन डायग्राम है, इससे ही करना है। और उसके बाद उसका आपको डीएफए बनाना है ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से। स्टेट्स हमारे पास है क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। क्यू नॉट 0 इनपुट से क्यू नॉट पर ही जा रहा है, 1 इनपुट से क्यू नॉट एंड क्यू वन पर जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब क्यू वन कहाँ जा रहा है? क्यू वन जो है 0 इनपुट से कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन 1 इनपुट से क्यू टू पर जा रहा है, और क्यू टू कहीं पर भी नहीं जा रहा है। सो एंड विद 11, क्या ये स्टेट डायग्राम एनएफए, ये उसकी स्ट्रिंग और ये टपल्स, इतना हमने बनाया। अब इसे देख करके हमें क्या करना है, इसे देख करके हमें बनाना है डीएफए की ट्रांजिशन टेबल। सो हम डीएफए की ट्रांजिशन टेबल यहां पर बना लेते हैं। या हम इस स्टेट डायग्राम को एक और बार लिख लेते हैं। क्यू नॉट पर जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन पर जा रहा है, क्यू वन 0 से कहीं नहीं जा रहा है, ये क्यू टू पर जा रहा है, और क्यू टू किसी भी प्लेस पर नहीं जा रहा है। ये आपकी एनएफई की ट्रांजिशन टेबल बन के आई थी, किसके लिए? एंड विथ 11 के लिए। अब इससे हमें क्या बनाना है, डीएफए की ट्रांजिशन टेबल बनानी है। सो हम कैसे बनाएंगे देखो। स्टेट्स आपको दी हुई है, स्टेट्स दी हुई है, इनपुट 0 एंड 1 है हमारे पास। अब हमारा रूल क्या है, जब हम कन्वर्जन करते हैं, फर्स्ट रो को हम एज इट इज लिखते हैं। क्यू नॉट ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ है, सेकेंड क्यू नॉट, अब न्यू स्टेट क्या आ रही है इस वाले में, क्यू नॉट क्यू वन। सो इस साइड पर हमें देखना है जो न्यू स्टेट आ रही है, उसे हम यहाँ पर सामने लेकर आएंगे और उसे फिर एक्सटेंड करेंगे, आप ऐसा समझे। अब क्यू नॉट जो है वो 0 इनपुट के लिए कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पर, ये क्यू नॉट। अब ये क्यू वन कहाँ जा रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, तो ब्लैंक। क्यू नॉट जो है 1 इनपुट के लिए कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन पर जा रहा था। अब क्यू नॉट तो चले गया 1 इनपुट के लिए, क्यू वन कहाँ जाएगा, क्यू टू पर जाएगा, राइट। ये देखो क्यू टू पर जा रहा है। अब क्यू नॉट क्यू वन हम एक्सटेंड कर चुके हैं, क्यू नॉट हम ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके हैं, न्यू स्टेट क्या मिली, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। अब क्यू नॉट जो है, आप इस इन तीनों को देख रहे हैं, क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू। आप इस पूरी रो में देखो, यहाँ पर पूरा जो इनपुट है 0 के लिए, सिर्फ ये 1 क्यू नॉट ही जा रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, बाकी सब तो ब्लैंक है। क्यू वन क्यू नॉट और क्यू टू, अब ये 1 इनपुट के लिए कहाँ जा रहे हैं, देखो क्यू नॉट क्यू वन पर जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन कहाँ जा रहा है, क्यू टू पर जा रहा है, और क्यू टू कहाँ पर जा रहा है, किसी भी प्लेस पर नहीं जा रहा है। सो अगेन आपका जो ट्रांजिशन टेबल बन करके आई है, इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से आप क्या करेंगे, डीएफए बनाएंगे। स्टेट्स आपके पास क्या है, क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। क्यू नॉट 0 इनपुट देने पर क्यू नॉट पर ही है, 1 इनपुट देने पर क्यू नॉट क्यू वन पर है, क्यू नॉट क्यू वन 0 इनपुट देने पर क्यू नॉट पर जा रहा है, और 1 इनपुट देने पर क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू पर जा रहा है। क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू 0 इनपुट देने पर क्यू नॉट पर जा रहा है, और 1 इनपुट देने पर। सो अब आप देखो आपका डीएफए एंड विथ 11, सो ये जब एंड विथ 11 के लिए डीएफए जाएगा, लास्ट में 1 का ही लूप आ रहा है, तो ये एंड विथ 1 पर ही जाएगा, 11 यहां से आएंगे, और 0 के लिए जस्ट क्यू नॉट पर जा रहा है। स्टार्टिंग आपकी 0 से ही होगी, आप यहाँ रिवर्स आ जाएं तो भी लास्ट में 11 ही जाएगा।
सो आपका एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन होने पर भी आपकी इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, आपको ये भी चेक करना है। आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि एंड विथ डबल वन हो रहा है नहीं हो रहा है। और देखिए लूप भी आया है तो सिर्फ किसका आया, वन का आया है, राइट। सो आपका जो एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन है इसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको लैंग्वेज दी हो सकती है, लैंग्वेज इट मींस स्टार्ट विथ एंड विथ कंटेन स्टार्ट एंड एंड सेकेंड लास्ट अल्फाबेट, जो कि मैंने आपसे बोला था डीएफए बनाने के लिए। सेकेंड थिंग आपको एनएफए का स्टेट डायग्राम आपको डायग्राम के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, उससे भी आपको कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। सो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली ये देखा गया कि आपको एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि आपको जो डीएफए दिया रहता है उसकी अगेन आपकी जो ट्रांजिशन टेबल है वो आप चेक करेंगे, पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद आप उसका स्टेट डायग्राम बनाते हैं, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें कंप्यूटर स्टडी जोन से ही, जहां पर आपको थ्योरी ऑफ कंपटीशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड जो आपको मैं अभी टॉपिक्स बता रही हूँ इनके आपको नोट्स भी वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसका आपको कंटेंट वहां पर मिल जाएगा। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अनअकैडमी पर भी आप प्रणीता बिसेन जो सर्च करेंगे, आपको गोल में सिलेक्ट करना है एनटीए यूजीसी नेट। आप एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी गोल सिलेक्ट करेंगे, जहां पर आप मेरा नेम सर्च करेंगे और आपको पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी, जहां पर आपको जो अभी थ्योरी ऑफ कंपटीशन सब्जेक्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 30+ लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि लाइव लेक्चर्स हैं और सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अनअकैडमी पे जाकर के भी मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देख सकते हैं, ये लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं और आप थ्योरी ऑफ कंपटीशन का जो पूरा सिलेबस है आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यूट्यूब पर भी कंटिन्यू देख सकते हैं, बट आप अनअकैडमी पर जाकर के डिटेल लेक्चर्स भी मेरे देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ है, वहां पर आपको 1-2 आवर के कंटिन्यू लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे कि आपका थ्योरी ऑफ कंपटीशन का जो प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है आप उसे डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वहां पर आने वाले टाइम के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आपको अनअकैडमी के लेक्चर